नमस्कार, मैं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। हमारे समाज में बेटी की लोहड़ी मनाने की ही पहल दी जाती है, लेकिन बटाला में हमेशा चर्दी कला युवती क्लब नामक समाज सेवा संस्था की तरफ से बेटियों की लोहड़ी मनाकर समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की गई है। इस लोहड़ी समागम में शहर की कई माननीय शख्सियतें भी शामिल रहीं। इस मौके पर 21 के करीब नवजन्मी बच्चियों को सम्मानित किया गया और नवजन्मी बच्चियों का लोहड़ी का भुग्गा भी जलाया गया। इस मौके पर यहां संस्था की तरफ से 21 नवजन्मी बच्चियों को शगुन के तौर पर नगद राशि और कपड़े देकर सम्मानित किया गया। वहीं समागम में पहुंची कुसुम शर्मा, पूर्व मेंबर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गुरदासपुर और संस्था के अध्यक्षता नरेंद्र कौर ने बताया कि हमारे समाज की सोच सिर्फ बेटी तक ही सीमित रह गई है, जबकि हमारे समाज में अगर बेटी ना होगी तो बेटा कहाँ से आएगा। हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए और बेटियों को जन्म का अधिकार देना चाहिए और बेटियों को आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। बेटी को कभी बेटे से कम नहीं समझना चाहिए। एक पढ़ी लिखी बेटी हमेशा समाज को और परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए समाज को बेटियों प्रति संदेश देने के लिए हमारी संस्था ने बेटियों की लोहड़ी मनाने का कदम उठाया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। अज असी अपनी क्लब वालों हर साल की तरह लोहड़ी का त्यौहार मनाया। साडा मकसद यही है कि बच्चियां नू और बच्चियां नू समान अधिकार मिले और समाज दे विच उन्हां नू समान जीन दा अधिकार मिले। इस लिए असी अज बच्चियां नू अगे लिया के उन्हां दी लोहड़ी करदे हां हर साल। इस बार भी असी लोहड़ी दा प्रोग्राम कीता है और कुछ छोटे जे गिफ्ट देने की उन्होंने कोशिश की है। सो साडा मकसद यही है कि सारे बच्चियां नू खिड़े मत्थे स्वीकार करन, जिद्दां पुत्तां दा स्वागत करदे ने उद्दां धीआं दा भी करन। किन्नी देर होगी तुहानूं इह त्यौहार मनाउंदे? इह पंजवीं लोहड़ी है साडी। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੋਫਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ 21 ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੱਸਥ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।